ییتی شو بجلی چھنہ کنے بجلی فیس گو ہر گنا زیادہ باقی پکڑ دکڑ چھ شخص ایک نشی کی موبائل اگر کس پولیس نے کس نفر نے آرمی وال موبائل گو نوجوان ساتھ مت وچھ ساتھ مس کیا چھس ایمس پاکسا تھان یعنی اخ وقت اس روڈ کے یہ لیس باری ہم بندو کن مس ہنا سے ہم ہوتا اس اخوان اس مفتی سمجھ کرے سب مز آزاد مگر آج سے بڑا قسم کی مشکلات آج جس احساس کو اس مس غلط فیصلہ گو آج شاید बड़ शुक्र गुजार तु आयु मोन कोर इस्तबाल इतनस पता आज पार्लियामेंट इलेक्शन सपद वो यह असेंबली इलेक्शन क्या यहां कुर्सी जंग देखिए जो हालात है जम्मू कश्मीर में जो मामला है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के तशखुस पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में पीडीपी एक वाहिद आवाज है जो पिछले 5 साल से बोलती रही है जीतती रही है चलाती रही है खासकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम दोनों मिलकर चलना चाहते थे मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगा तो लोग दिखाना चाहते हैं कि जो पीडीपी है वो लोगों के दिलों में बसती है और लोग हो सकते हैं लोग कुछ अरसे के लिए नाराज हो गए हो जरूर मगर पीडीपी लोगों के दिलों में बसती क्योंकि पीडीपी ने 3 साल में वो काम किए जो किसी जमात ने 50 साल में नहीं किया तीनों सीटों पे आपका कब्जा होगा तीनों सीटों पे आपकी जीत दर्ज होगी देखिए ये तो लोग फैसला करेंगे मैं बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी आई तो SC ST जलिए मुफ्ती जलिए मुफ्ती लेडीज हो सकता है कुछ देर के लिए पीडीपी से लोग नाराज हो गए हों मगर लोग समझते हैं कि पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को टास्क फोर्स इखवान पोटा और मुसीबत से निकाला न सिर्फ और एक तरक्की का नया जाल बिछाया मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पाकिस्तान के साथ रास्ते खोले डायलॉग प्रोसेस हुआ मसले कश्मीर के हल्के हवाले से एक पेशकश हुई कैदियों को जेलों से रिहा किया गया आज देखिए हमारे हजारों नौजवान जेलों में कौन बात करता है हमारी जमीन हमारे पावर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ अंधेरा है हमें बिजली फीस 100 गुना देनी पड़ती है हमारी बिजली पूरे मुल्क को जाती कोई बात नहीं करता है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जम्मू कश्मीर में जितनी कहीं नहीं कोई बात नहीं करता है तो लोग समझते हैं पीडीपी लोगों के दिलों में बसती है अब कौन क्या कहता है मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ आपने खुद देखा लोगों का रोजगार लोग चाहते हैं कि पीडीपी को वोट देके पार्लियामेंट में भेजे ताकि जो गुठन है जो बात नहीं कर सकता है इसमें जम्मू कश्मीर के लोग बात करते हैं तो जेल में डालते हैं वो बात पार्लियामेंट के अंदर हो जाए अच्छा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें